सरायकेला जिले चांडिल प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चौका पंचायत भवन प्रारंग में शनिवार को ग्राम प्रधान सचिकांत महतो की अध्यक्षता में मांझी परगना महल की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। मालूम हो कि बीते 1 दिसंबर को मौजा चौका खाता नंबर 151 प्लॉट नंबर 233 जमीन पर बने संथलों का पूजा स्थान मांझी थान को दबंग द्वारा जेसीबी बुलडोजर से तोड़ दिया गया था, जिसके बाद समाज के लोगों ने चौका थाना में लिखित सूचना दी, परंतु 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी क्रम में शनिवार समाज के लोगों ने आवश्यक बैठकर मांझी परगना महल के महासचिव श्यामलाल मार्डी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल चौका थाना प्रभारी मिले एवं दोषियों को गिरफ्तार कर जन कार्रवाई करने की मांग की। समस्या है कि यहाँ मांझी थान जो हम घेराव किए थे उसको एक जबरदस्ती जेसीबी के द्वारा ध्वस्त कर दिया, इसलिए हम लोग लिखित दिए थे थाना प्रभारी साहब को। इस विषय में हम लोग आज पूरा प्रतिनिधिमंडल थाना से मिलने गए कि हम लोग का आज तक दो बार लिखित देने के बाद भी आज तक कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए हम लोग उनसे मिलने के लिए प्रतिनिधिमंडल गए थे और आश्वासन भी दिए प्रभारी साहब की 2-3 दिन में हम दोनों पक्ष को बुला के समझौता कर लेंगे। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम गाजूराम मांझी। सरायकेला से द नेटवर्क के लिए फनी भूषण टूडू की रिपोर्ट, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ।